टाटा का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया भारतीय विमानन बाजार में एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे खुद को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धियों से आगे रखा जा सके। एयरलाइन न केवल यात्री सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि भारत और विश्व स्तर पर अपने माल और कार्गो संचालन नेटवर्क को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास कर रही है। जबकि एयर इंडिया एक भारतीय यात्री वाहक के रूप में प्रसिद्ध है, इसका एयर कार्गो सेवाओं के संचालन का इतिहास है। माल ढोने वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया कार्गो ने 1954 में डगलस DC-3 विमान के साथ माल ढुलाई परिचालन शुरू किया। इसके बाद एयरलाइन ने एक बोइंग 747 और एक डगलस DC-8 का अधिग्रहण किया, जिससे यह मालवाहक विमान संचालित करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बन गई। 1980 और 1990 के दशक के बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर बोइंग 747 और डगलस DC-8 विमानों का संचालन कार्गो लगातार एयर इंडिया के संचालन का एक अभिन्न अंग रहा है। कार्गो सेवाओं पर अस्थायी रोक के बावजूद एयरलाइन ने 2006 में 2310 विमानों के साथ मालवाहक परिचालन फिर से शुरू किया। हालांकि 2012 में बढ़ते घाटे, परिचालन चुनौतियों और मध्य पूर्वी वाहकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण एयर इंडिया ने कार्गो परिचालन को निलंबित कर दिया। निजीकरण के बाद एयरलाइन भारतीय विमानन बाजार में अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसका लक्ष्य एयरबस A350 जैसे उन्नत विमानों के साथ अपने वैश्विक नेटवर्क को मजबूत करना था। हाल ही में एयरलाइन ने अतिरिक्त 350-900 और 321 नियोज के लिए प्राथमिकता व्यक्त करते हुए अपने एयरबस विमान ऑर्डर में महत्वपूर्ण समायोजन किया। वाइड बॉडी ऑर्डर में अब समान संख्या में 20-350-900 और 20-350-1000 शामिल है। इसके अतिरिक्त नैरो बॉडी श्रेणी में 140-321 नियोज और 70-320 नियोज के लिए संशोधित ऑर्डर देखे गए हैं। एयरलाइन इस महीने के अंत तक अपना पहला एयरबस 350-900 विमान प्राप्त करने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक नई पोशाक होगी। इसके साथ ही एयरलाइन अपने 350 के लिए नए केबिन का अनावरण करेगी। एक आशाजनक कदम में एयर इंडिया कार्गो को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल कार्गो शो 2023 में एक प्रदर्शक के रूप में देखा गया, जो भारत और भारत दोनों में अपने कार्गो व्यवसाय की प्रमुखता को बढ़ाने के इरादे का संकेत देता है। विश्व स्तर पर यह घोषणा एयरलाइन द्वारा भारतीय फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई नई क्रू वर्दी का अनावरण करने के बाद आई है। हालांकि वर्तमान बेड़े में नए कार्गो मालवाहक प्राप्त करने का कोई संकेत नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए संभावना खुली है। इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया ने अपने कार्गो व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए रमेश ममीडाला को नियुक्त किया था, जिनके पास एमिरेट्स स्काई कार्गो और कतर एयरवेज कार्गो जैसी प्रमुख एयरलाइनों के साथ एयर कार्गो अनुभव के साथ साथ कार्गो हैंडलिंग और हवाई अड्डे के संचालन में 25 वर्षों का अनुभव था। ममीडाला हाल तक अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स में मुख्य कार्गो अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और इसके प्रबंधन के तहत 7 हवाई अड्डों में कार्गो व्यवसाय की देखरेख करते थे। हाल के घटनाक्रमों में एयर इंडिया के कार्गो डिवीजन में रणनीतिक वृद्धि शामिल है। लुफ्थांसा कार्गो में 24 वर्षों के अनुभव के साथ साकेत गुप्ता कार्गो मूल्य निर्धारण और राजस्व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सहायक उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। सुदीप नारायण को एयरलाइन के कार्गो संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके पास एमिरेट्स स्काई कार्गो, एतिहाद कार्गो जैसे वाहक और डैचर और EFL जैसे फॉरवर्डर्स के साथ 2 दशकों का अनुभव था।